शिक्षा शास्त्र विषय के साथ सरस्वती ग्रुप से आपका लेजेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारा जो वीडियो क्लास चल रहा है वह बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का जो प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जो इससे पूर्व के वीडियो में हमने देखा तो बहुत से चैप्टर के बारे में बता दिया गया। तो आज का जो हमारा अगला चैप्टर है वो है बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बाल्यावस्था से बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाल्यावस्था का अर्थ, ठीक है, बाल्यावस्था कहाँ किसे कहते हैं। तो जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं बहुत से सभी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा कि सामान्य रूप से सभी वैज्ञानिकों ने लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को बाल्यावस्था माना है, है ना। इस अवस्था में बालक के जीवन में अस्थायी, बालक के जीवन में अस्थायी आने लगता है और आगे आने वाले जीवन की तैयारी कि जो भी भावी जीवन है, आगे आने वाला जो भी जीवन है इसके बारे में तैयारी करता है। और इस अवस्था में बालक के जीवन में क्या आने लगता है, अस्थायित्व आने लगता है। यानी कि सभी मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है इसके बीच की जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम किसके नाम से जानते हैं, बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इस अवस्था के बहुत से उपनाम है, ठीक है, बहुत से उपनाम है जिसे हम जानते हैं। कहा जाता है कि प्रारंभिक विद्यालय की याद, प्रारंभिक विद्यालय की याद किस अवस्था को कही जाती है, तो बाल्यावस्था को कही जाती है, ठीक है। जीवन का निर्माणकालिका के नाम से भी बाल्यावस्था को जाना जाता है, एक प्रकार का कोटेशन है और जिसे सिगमंड फ्रायड ने दिया है, ठीक है। और भी उपनाम है, जैसे इसे कहा जाता है कि जीवन का अनोखा काल, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है और यह भी एक प्रकार का कोटेशन यानी कि कथन है जिसे कार्ल एंड ब्रूस ने दिया है, ठीक है। इसे प्रतिद्वंद्वता के काल के भी नाम से जाना जाता है, किसके नाम से, प्रतिद्वंद्वता के काल के नाम से भी जाना जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है और शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रम में इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता के नाम से भी जाना जाता है इस अवस्था को, ठीक है। और यह भी एक प्रकार का कोटेशन है जिसे रास महोदय ने दिया था, किसने दिया था, रास महोदय ने दिया था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बाल्यावस्था को कई नामों से जाना जाता है और ये ऑप्शनल पेपर है, पूछ सकता है कि प्रारंभिक विद्यालय की आयु किस अवस्था को मानी जाती है, किस अवस्था को मानी जाती है, बाल्यावस्था को मानी जाती है। इसलिए इसी तरह से पूछ लेगा कि जीवन का अनोखा काल किस काल को कहा जाता है, तो बाल्यकाल को कहा जाता है, किसने कहा था, तो रास महोदय ने कहा था। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन इस बाल्यावस्था के उपनाम से भी पूछ सकता है। तो इस रूप में हमने बाल्यावस्था के बारे में जाना, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है इसे हम बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब बाल्यावस्था को दो भागों में भी बांटा गया, बाल्यावस्था को दो भागों में बांटा गया है, एक है 6 से 9 और एक है 10 से 12। 6 से 9 को संचय काल के नाम से जाना जाता है, संचय काल के नाम से, और 10 से 12 को परिपाक काल, किस काल से, परिपाक काल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने बाल्यावस्था के अर्थ को जाना, इसके कई उपनामों को जाना। अब इसी क्रम में हम बाल्यावस्था की परिभाषा को जानते हैं, जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषा में सबसे पहले हम जानते हैं हरलाख महोदय का एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। क्या उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौना आरंभ होने तक 11 और 12 वर्ष के बीच होती है,
इन्होंने भी क्या कहा कि 6 से 11 और 12 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, ठीक है, इस अवस्था को हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं? बाल्यावस्था के नाम से जानते हैं। इसी क्रम में काल एंड ब्रूस के अनुसार भी बाल्यावस्था के बारे में बताया गया है। तो इन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कौन सा काल बताया? अनोखा काल। और इसी क्रम में हमने अभी आपको एक उपनाम बताया था, जीवन का निर्माण कालिका, जीवन का निर्माण कालिका। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा। किसने कहा? सिगमंड फ्रायड ने कहा है। और अनोखा काल किसने कहा? कार्ल एंड ब्रूस ने कहा। इसी क्रम में हम अगला परिभाषा देखते हैं, रास महोदय। इन्होंने क्या बताया कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या परिपक्वता, मिथ्या का अर्थ क्या है? झूठ से, ठीक है। और परिपक्वता का तात्पर्य क्या है? परिपक्व होना, यानी कि इंग्लिश में इसे किस नाम से जानते हैं? मैच्योरिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि बाल्यावस्था का जो बालक होता है अपने आप को मैच्योर होने के लिए प्रदर्शित करता है, यानी कि अपने आप को इस रूप में प्रदर्शित करता है कि जैसा वह प्रौढ़ या वयस्क व्यक्तियों की भांति मैच्योर है। लेकिन यह क्या है? झूठ है, क्योंकि बाल्यावस्था तक पूर्णतः बालक परिपक्व नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बाल्यावस्था के परिभाषा के बारे में जाना। अब इसके बाद से आता है बाल्यावस्था की विशेषताएं, जो भी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला है शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। जो बाल्यावस्था का काल है, इस काल में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या आ जाती है? स्थिरता आ जाती है। जबकि हमने इससे पूर्व में शैशवावस्था पढ़ा, तो शैशवावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होता है? तीव्रता होती है, ठीक है ना, तीव्र गति से विकास होता है। और इसमें क्या हो जाती है? स्थिरता आ जाती है, यानी कि जो गति होती है क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। अभी हमने बताया कि इस काल को दो भागों में बांटा गया है, एक 6 से 9 जिसे हम संचय काल के नाम से जानते हैं, और एक 10 से 12 जिसे परिपक्व काल के नाम से जानते हैं। क्या होता है कि इस समय बालक में विकास होता है, और इस अवस्था में बालक का क्या होता है? अस्थायित्व होता है, ध्रुवीकरण होता है, ठीक है। इसी क्रम में अगला हम देखते हैं मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। जो भी बालक का मानसिक योग्यता है, जैसे हम कह सकते हैं तर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, प्रत्यक्ष ग्रहण करना, इन योग्यताओं में क्या होता है? वृद्धि होती है। किस अवस्था में? बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में जो भी मानसिक योग्यता बालक के अंतर्गत होती है उसमें क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। अगला इसी क्रम में जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ठीक है। जो बाल्यावस्था का बालक होता है बहुत ही जिज्ञासु होता है, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी नई वस्तु के बारे में देखता है तो उसको जानने के लिए उत्सुक हो जाता है कि यह क्या है, ठीक है। लेकिन इसका क्वेश्चन क्या है कि यह क्या है, ये इसका क्वेश्चन नहीं होता इस अवस्था में। यह क्यों है, यह क्यों है ना। ज्यादातर क्वेश्चन क्या पकड़ता है, किसी भी वस्तु को या नवीन वस्तु को देखता है तो क्या कहता है कि यह क्यों है, यानी कि किसी भी नई वस्तु को देखकर उसके प्रति उत्सुक हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है, और ऐसा ही प्रश्न करता है कि यह क्यों है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के अंदर जिज्ञासा की प्रबलता पाई जाती है। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। आपको इससे पूर्व में जो शैशवावस्था पढ़ाया गया है तो उसमें बताया गया है कि शैशवावस्था में बालक क्या होता है? पर निर्भर होता है, पर आश्रित होता है। क्या होता है? पर निर्भर, या हम कह सकते हैं पर आश्रित, यानी कि दूसरे पे आश्रित होता है। लेकिन जो ही बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है तो बालक क्या हो जाता है? आत्मनिर्भर हो जाता है, सेल्फ डिपेंड हो जाता है। वो अपनी जो भी क्रियाएं होती हैं स्वयं करता है, यानी कि स्नान करना, कपड़ा पहनना, कपड़ा धोना, खाना खा लेना, ये सभी चीजें क्या करता है? वह स्वयं से कर लेता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है, ठीक है। अगला है रचनात्मक कार्यों में रुचि। क्या करता है? बाल्यावस्था का जो बालक होता है उनमें रचनात्मक कार्यों के प्रति ज्यादा रुचि होती है। आपको पता होगा कि जो भी इस अवस्था के बालक होंगे ज्यादातर बगीचे में खेलते होंगे, बगीचे में मिट्टी का घर बनाते हैं, क्या कागज के खिलौने बनाते हैं, कागज के नाव बनाते हैं, बहुत सी चीजें क्या करते हैं?
बनाते रहते हैं, यानी कि रचनात्मक कार्य करते रहते हैं। अतः हम देखते हैं कि बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं, इन बालकों के अंतर्गत या इन बालकों में रचनात्मक कार्यों में विशेष रुचि होती है। यह भी एक प्रकार की बाल्यावस्था की क्या विशेषता है, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं, संग्रह प्रवृत्ति का विकास। आपको पता होगा कि हम बाल मनोविज्ञान जब पढ़ते हैं तो इसमें जो बालक होता है तो इसके बारे में बेहतर जानने के लिए हम अपने घर पे ही निरीक्षण कर लेते हैं कि हमारे घर का जो बालक है इस अवस्था में है, उसके अंतर्गत किस प्रकार की विशेषताएं हमें, किस प्रकार के लक्षण दिखने को मिलता है। तो आप ज्यादातर देखिए हमने कि जो भी बाल्यावस्था का बालक होगा अपने ही घर में, जो भी कितना भी खराब सामान हो, कोई भी हम कह सकते हैं कि जिसका कोई भी काम ना हो, ऐसे भी चीजों को, वस्तुओं को क्या करता है, एकत्रित करता है, एक जगह रखने का प्रयास करता है। यानी हम कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में बालक के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि संग्रह की जो प्रवृत्ति होती है वो विकसित हो चुकी होती है, और जो भी इधर उधर की वस्तुएं होती हैं उनको क्या करता है, एक जगह रख कर इकट्ठा करता है, ठीक है। इसी क्रम में हम अगला देखते हैं, अगला सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बाल्यावस्था में बालक क्या होता है, घर से बाहर निकलने लगता है, पास पड़ोस में जाने लगता है, पास पड़ोस के बालकों के साथ खेलने लगता है, जिसके माध्यम से उसके अंदर सामूहिक प्रवृत्ति की क्या हो जाती है, प्रबलता आ जाती है। अगला है बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास। आपको पता है कि शैशवावस्था में बालक खुद से खुद के बारे में सिर्फ सोचता था और खुद के बारे में जानता था, लेकिन बाल्यावस्था में जब बालक अपने घर को छोड़कर बाहर जाने लगा, मित्रों के साथ खेलने लगा, मतलब इत्यादि प्रकार के जो भी व्यक्ति हैं उनके बारे में देखा, अन्य बाहरी वस्तुओं के बारे में देखा, तो इस तरह से उसकी जो प्रवृत्तियां थी वह क्या हो गई, बहिर्मुखी हो गई, यानी कि बाहर के वस्तुओं में जानने का प्रयास करने लगा, उनके बारे में जानना और सीखा। लेकिन शैशवावस्था में बालक जो होता है वह अंतर्मुखी होता है, ठीक है। इसी क्रम में अगला देखते हैं, सामूहिक खेलों में विशेष रुचि। जो बाल्यावस्था का बालक होता है वह समूह में खेलना पसंद करता है, और इसे खेलने की आयु भी कही जाती है या खेलने की अवस्था के भी नाम से जाना जाता है। किस अवस्था को, बाल्यावस्था। अतः हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बालक समूह में खेलना अत्यधिक पसंद करता है, यह भी एक प्रकार की क्या है, विशेषता है। अगला, सामाजिक एवं नैतिक विकास। जब बालक बाहर जाने लगता है, समूह में खेलने लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर सामाजिकता का विकास होगा, सामाजिक भावना का विकास होगा, साथ ही साथ नैतिकता का विकास होगा। क्योंकि कोई भी गेम किसी भी व्यक्ति के साथ रहना क्या होता है, एक सिस्टम होता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जिसमें एक दूसरे की सहयोग की अपेक्षा की जाती है, और इसके माध्यम से बालक के अंदर सामाजिकता और नैतिकता दोनों का विकास, ठीक है। अगला है सुसुप्त काम प्रवृत्ति। मनोविश्लेषणवादियों का मानना है कि इस अवस्था में मातृ और मातृ प्रेम और पितृ प्रेम जो भी विरोधी ग्रंथियां होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं, और बालक के अंदर समलिंगीय प्रेम की भावना का विकास हो जाता है। यानी कि जो पुरुष वर्ग है वह पुरुष वर्ग के व्यक्ति को देखता है और उनसे स्नेह करता है, जो बालिका वर्ग है वो बालिका वर्ग के व्यक्ति और स्त्रियों को देखकर क्या करते हैं, उनसे स्नेह और प्रेम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो काम प्रवृत्ति की भावना होती है वह शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में कम पाई जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि यह जो प्रवृत्ति हो जाती है सुसुप्त हो जाती है। इस तरह से हमारा बाल्यावस्था का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं समाप्त होती हैं। इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है वो है बाल्यावस्था माना जाता है, तो बाल्यावस्था कब से कब माना जाता है, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 18 से 65। तो हमने अभी आपको बताया कि बाल्यावस्था कितने से कितने वर्ष तक मानी जाती है, तो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कहा कि बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, किसने कहा बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। तो हमने अभी आपको बताया किसने कहा था, रास महोदय ने कहा था, किसने कहा था, रास महोदय, ठीक है। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं, कौन कौन सी इसमें बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं।
पहला शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, ठीक है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक विकास में तीव्रता। तीसरा है आत्मनिर्भरता की भावना। और चौथा है अ और स्व दोनों। तो हमने आपको क्या बताया था कि शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता किस अवस्था में आ जाती है, तो किस अवस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। तीव्रता किस अवस्था में होती है, तो हमें सहस्त्रावस्था में दिखने को मिलती है, ठीक है। और आत्मनिर्भरता की भावना, आत्मनिर्भरता की भावना किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था में। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, अ और स्व दोनों, स्थिरता और आत्मनिर्भरता, ठीक है। इसी क्रम में आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था जीवन का निर्माण कालिक काल। किसने कहा था कि बाल्यावस्था जो है वह जीवन का निर्माण कालिक काल है, किसने कहा था, तो सिगमंड फ्रायड ने कहा था। किसने कहा था, सिगमंड फ्रायड ने कहा था। और ये इसका जो अंतर होगा वो होगा सब, ठीक है। इस तरह से आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।